गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स एक्चुअल में क्या होता है? जो भी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सिंगल वैल्यू होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू। There is a value, there is a number associated with, every square matrix, is called its determinant, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ किसके लिए होता है डिटरमिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी उसकी उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर होगा जो उससे एसोसिएटेड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक्स ए है आपके पास, 2x2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एलिमेंट हैं a11, a12, a21 एंड a22। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए को, और मैट्रिक्स को भी डिटरमिनेंट में चेंज कर देंगे तो वो होगा a11, a12, a21 एंड a22। और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको a11 को a22, a11 मल्टीप्लाइड बाय a22 माइनस a21 मल्टीप्लाइड बाय a12। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू। और देख लीजिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ए है आपके पास कोई मैट्रिक्स 2, 4, 6, 8, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए वो होगा आपके पास डिटरमिनेंट 2, 4, 6, 8, और उसकी वैल्यू होगी 2, 8 जा 16 माइनस में 6, 4 जा 24, दैट इज़ -8। जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, रियल भी हो सकती है, कम्प्लेक्स भी मीन्स इमेजिनरी वैल्यू भी यहाँ पर आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू आपके पास, कोई भी एक नंबर एसोसिएट हो सकता है, इवन एक इमेजिनरी नंबर भी यहाँ पर अगर आयोटा की फॉर्म में दे दिया जाए तो आयोटा में भी आ सकता है। अब आता है ये तो हमारे पास हो गया 2x2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जो हैं वो हमारे पास 2 ही ऑर्डर की है, एक तो 2x2 ऑर्डर की हमारे सिलेबस में है और दूसरी है 3x3 ऑर्डर की। 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने से पहले कुछ और चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, जिसमें से आता है एक माइनर ऑफ aij, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम mij से, कैपिटल mij। अब देख लीजिए कि माइनर कैसे निकलता है, किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकलता है। aij किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 2x2 से ही देख लीजिए, ये है मान लो 2, 4, 6, 8 ही है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे m11। m11 का मतलब है माइनर ऑफ a11 एलिमेंट। और वो कैसे निकलेगा, a11 एलिमेंट देखिए, उससे कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़ दीजिए, उससे कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट बचा वो क्या है, इसका माइनर। तो m11 यानी कि a11 का माइनर क्या है आपके पास, 8। m12 मीन्स माइनर ऑफ a12। तो उसके लिए देखिए हम कैसे निकालते हैं, बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। माइनर ऑफ a12 निकालना है तो a12 एलिमेंट है 4, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़ दीजिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट बचा वही क्या है, इसका माइनर। तो माइनर क्या है आपके पास, 6। नेक्स्ट है आपके पास m21। m21 का मीन्स है माइनर ऑफ एलिमेंट a21। अब एक बार फिर से मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, 2, 4, 6 एंड 8। अब हमें चाहिए a21 का माइनर, तो a20 एलिमेंट है 6,
इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़ दिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट छोड़ दिए, आपके पास सिर्फ एलिमेंट कौन सा बचा है, 4। तो माइनर ऑफ 821 क्या आ गया, 4। सिमिलरली माइनर ऑफ 822 रिप्रेजेंटेड बाय M12, 822 एलिमेंट क्या है, 8। उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़िए, कॉलम के एलिमेंट छोड़िए, क्या बचा आपके पास, एक सिंगल एलिमेंट 2, यही क्या है उसका माइनर। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, माइनर। अब ये तो हो गया माइनर 2x2 ऑर्डर का। पहले 2x2 ऑर्डर की बात कर लेते हैं, फिर 3x3 पे चलेंगे। फिर आता है कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ aij रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल aij। तो कोफैक्टर, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कोफैक्टर ऑफ aij इज इक्वल टू होता है -1 की पावर i+j इनटू में माइनर ऑफ aij। तो ये रिलेशन होता है आपका कोफैक्टर में और माइनर में। रसी शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे कैपिटल aij मीन्स कोफैक्टर ऑफ aij इज इक्वल टू -1 raised to the power i+j इनटू mij। ये है हमारा रिलेशन बिटवीन माइनर एंड इट्स कोफैक्टर। तो ये रिलेशन होता है आपका माइनर और कोफैक्टर में। अब देख लीजिए कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। फिर वही ले लीजिए ए मैट्रिक्स आपके पास 2, 4, 6 एंड 8 और आपको निकालना है A11। A11 मीन्स कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट। कैसे निकलेगा आपके पास, -1 की पावर i+j दैट इज 1+1। i के यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1। j की भी वैल्यू यहाँ पर क्या है आपकी, 1। इनटू में m11 और m11 आप निकाल चुके हैं ऊपर कितना है, 8। और -1 की पावर 2 भी कितना होता है, +1 इनटू में 8। तो कोफैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 8। नेक्स्ट a12, A12 means cofactor of element A12, -1 raised to the power 1+2 into M12, that is -1 into M12 कैसे निकाला है हमने, 6। तो आंसर क्या आया आपके पास, -6। A21 cofactor of A21, -1 raised to the power 2+1 और इनटू में क्या आएगा आपका, जो माइनर क्या था वो था 4। तो रिजल्ट आया आपके पास -4। A22 मीन्स कोफैक्टर ऑफ A22, -1 raised to the power 2+2 इनटू कोफैक्टर ऑफ A2, माइनर ऑफ को क्या था हमारे पास, 2। तो होल आंसर क्या आया आपके पास, 2। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके कोफैक्टर। तो 2x2 मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के हमने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ली, सीख ली, उसके माइनर सीख ली और क्या सीख लिए, कोफैक्टर। अब हम चलते हैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए। अब आता है 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ए आपके पास है, कोई भी एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट बना लेते हैं। मान लो वो है 1, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 4 एंड 3। ये आपके पास है कोई भी एक मैट्रिक्स ए है और आपको क्या निकालनी है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। तो 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, वो निकलेगी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के से उसको एक्सपेंड करके। जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको निकालना है तो या तो आप इसको R1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो R1 से रो 1, या R2 से, या रो 3 से, या इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, या कॉलम 2 से, या कॉलम 3 से। तो इन 6 वेज से हम इस 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और किसी से भी आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, वो कैसी होगी, यूनिक। डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो यूनिक होती है। चाहे आप कॉलम 1 से निकालिए, कॉलम 2 से निकालिए, कॉलम 3 से निकालिए, या रो R1 से, या R2 से, या R3 से, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी हमारी, सेम। तो कैसे निकालते हैं, एक्सपेंडिंग बाय, मान लीजिए हम R1 से एक्सपेंड करके इसको निकालते हैं। तो जब हम एक्चुअल में एक्सपेंड करते हैं तो क्या करते हैं, हमने क्या करना एक्चुअल में, A11 एलिमेंट। अब R1 के एलिमेंट क्या क्या हैं, ये है A11, ये है A12,
ये है A13। तो A11 मल्टीप्लाइड बाई को फैक्टर ऑफ A11 प्लस में A12 मल्टीप्लाइड बाय को फैक्टर ऑफ A12 प्लस में A13 मल्टीप्लाइड बाय को फैक्टर ऑफ A13। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू। मान लीजिए आपको एक्सपेंड करके निकालना है C2 से, तो एक्सपेंडिंग बाय C2, तो डिटरमिनेंट ऑफ A आपके पास क्या आएगा, C2 के एलिमेंट। देखिए C2 के एलिमेंट ये है हमारे पास A12, ये है हमारे पास A22, ये है हमारे पास A32। तो डिटरमिनेंट वैल्यू कैसी निकलेगी, एलिमेंट है हमारे पास A12 मल्टीप्लाइड बाय दैट को फैक्टर, एलिमेंट्स और उसके को फैक्टर को मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, ऐड। C2 का नेक्स्ट एलिमेंट है ये होता है A21, तो ये है A22, A22 मल्टीप्लाइड बाय को फैक्टर ऑफ A22। नेक्स्ट एलिमेंट ये है होता है हमारे पास A31, तो ये कौन सा है हमारे पास A32 मल्टीप्लाइड बाय को फैक्टर ऑफ A32। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर लीजिए, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी आपकी सेम। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डिटरमिनेंट वैल्यू आपकी कैसे निकलती है। चलो अब निकाल के देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। पहले हम निकालते हैं R1 से, एक्सपेंडिंग बाय R1 कैसे निकालनी है हमने, एलिमेंट R1 का एलिमेंट है 1 इंटू में उसका कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालने के लिए -1 की पावर 1 प्लस 1। अब उसके लिए आपने क्या करना है, इंटू में माइनर, तो माइनर निकालना है, तो कैसे निकालना है, तो माइनर निकालने के लिए आपको क्या करना है, वही जैसे हमने 2x2 ऑर्डर में किया था, इस जो भी A11 एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़िए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या छोड़िए, कॉलम के एलिमेंट। 2x2 ऑर्डर में तो एक सिंगल एलिमेंट बच जाता था, यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, 4 एलिमेंट, मीन्स 2x इससे क्या निकाल बना लीजिए एक 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या बचा, 3 2 4 3। तो यहाँ पर आएगा आपका आएगा 3 2 4 3, और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को हम सोल्व करके लिख देंगे। प्लस नेक्स्ट एलिमेंट A12 एलिमेंट क्या है, 2, साथ में उसका कोफैक्टर निकालने के लिए एलिमेंट -1 की पावर i प्लस j, दैट इज 1 प्लस 2। अगेन वही काम कीजिए, जो भी एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंटों को छोड़ दीजिए और कॉलम के एलिमेंटों को छोड़ दीजिए। अगेन आपके पास 2x2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बचा, जो बचा 4 2 2 3। तो ये आ गया आपके पास 4 2 2 एंड 3। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास, 3, -1 की पावर 1 प्लस 3। फिर वही काम कीजिए, जो भी एलिमेंट है आपका उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट। फिर आपके पास 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचा, उसको लिख लीजिए 4 3 2 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब 4 3 2 एंड 4। अब इन 2x2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट वैल्यू को सोल्व कर लीजिए, -1 की पावर 2 कैसे होगा +1, और इसके डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे सोल्व करेंगे, 3 3 जा 9, -4 2 जा 8, प्लस में 2, -1 की पावर 3 गिव्स -1, 4 3 जा 12, माइनस में 2 2 जा 4, 3 into -1 की पावर 4 प्लस 1, 4 4 जा 16, माइनस में 3 2 3 जा 6। तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो एक माइनस हम अपनी तरफ से लगाते हैं, विच गिव्स +1 मल्टीप्लाइड बाय +1, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 गिव्स -2, एंड 12 -4 गिव्स 8, 3 मल्टीप्लाइड बाय +1 +3, 16 -6 गिव्स 10, विच गिव्स 1, माइनस में 8 2 जा 16, प्लस में 10 3 जा 30, 30 प्लस 1 31, और माइनस में 16, कितना बचा आपके पास, 15। तो डिटरमिनेंट वैल्यू आपके पास क्या आई, 15। ये तो हमने किया था R1 से एक्सपेंड, अब C2 से एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग बाय C2। तो आपको ये क्लियर हो जाए कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड करें, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी आपकी सेम। अब C2 ऐसे एक्सपेंड कीजिए, C2 से एक्सपेंड करेंगे हम, मैं एक बार A को यहीं लिख देता हूँ एक बार दोबारा से, ताकि आपको पता लग जाए। A है हमारे पास मैट्रिक्स A 1 2 3 4 3 2 एंड
टू फोर थ्री। अब इसको एक्सपेंड करेंगे हम सी टू से। तो सी टू से एक्सपेंड करने के लिए हमने क्या देखा था, सी टू से एक्सपेंड करना है तो एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट को फैक्टर प्लस नेक्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट को फैक्टर प्लस नेक्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट को फैक्टर। तो ये है आपका सी टू। इसमें ये एलिमेंट है एलिमेंट टू, माइनस वन की पावर कौन सा एलिमेंट है ए वन टू, तो माइनस वन की पावर क्या आ गया आपके पास वन प्लस टू। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़ दिए और कॉलम के एलिमेंट छोड़ दिए, क्या बचा आपके पास एक टू ऑर्डर डिटरमिनेंट फोर टू टू थ्री। ये बचा आपके पास फोर टू टू थ्री प्लस में नेक्स्ट एलिमेंट थ्री, कौन सा एलिमेंट है ये ए टू टू, तो माइनस वन की पावर टू प्लस टू। को फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ही तो करते हैं माइनस वन की पावर जो भी उसकी वैल्यू हाई और जे की वैल्यू हर उसमें उसका क्या करते हैं माइनर, और माइनर कैसे निकलता है ये है आपका एलिमेंट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंटों को छोड़ दीजिए और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, क्या बचा वन थ्री टू थ्री वन थ्री टू थ्री प्लस में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है फोर, जो कौन सा एलिमेंट है थर्टी टू, तो माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू। ये है आपका एलिमेंट। फिर वही इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ेंगे तो क्या बचा वन थ्री फोर टू वन थ्री फोर एंड टू। सोल्व कीजिए टू इंटू में माइनस वन इंटू फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस टू टू जा फोर प्लस में थ्री मल्टीप्लाइड बाई प्लस वन इंटू वन थ्री जा थ्री माइनस टू थ्री जा सिक्स प्लस में फोर इंटू माइनस वन वन टू जा टू माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व। सोल्व कीजिए क्या है आपके पास टू इंटू में माइनस वन माइनस टू ट्वेल्व माइनस फोर एट प्लस में थ्री इंटू माइनस थ्री, यहाँ पर आएगा आपका फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर इंटू में माइनस टेन विच गिव्स माइनस सिक्सटीन माइनस नाइन एंड प्लस फोर्टी विच गिव्स सिक्सटीन एंड नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस फोर्टी विच गिव्स फिफ्टीन। तो आप देख लीजिए चाहे R1 से एक्सपेंड किया मैंने चाहे C2 से, डिटरमिनेंट वैल्यू आपकी क्या आई सेम, यहाँ भी 15 आई है C2 से एक्सपेंड करने के बाद और R1 से एक्सपेंड करने के बाद भी क्या आई थी 15। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो चुकी है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर लीजिए आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या रहेगी सेम। एक बार फिर से मैं 3x3 ऑर्डर के माइनर और को फैक्टर निकालने बता देता हूँ कुछ एलिमेंट के। फॉर एग्जाम्पल ए है आपके पास मैट्रिक्स वन टू थ्री फोर थ्री टू, मान लो किसी में नेगेटिव साइन भी हो सकते हैं फाइव माइनस फोर सिक्स। अब माइनर मान लो आपको निकालना है M13 का मतलब है माइनर ऑफ एलिमेंट A13। और माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो A13 एलिमेंट देख लीजिए A11 A12 ये एलिमेंट है A13, तो क्या करना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़ देने हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट छोड़ देने हैं, क्या बचेगा आपके पास 2x2 ऑर्डर डिटरमिनेंट, उसको लिख लीजिए जो बचा 4 माइनस 3 5 माइनस 4। ये बचा आपके पास 4 माइनस 3 5 एंड माइनस 4। इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वही आपका होगा माइनर ऑफ 13 एलिमेंट। तो रिजल्ट क्या आया 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 माइनस 16 प्लस में, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक माइनस हम अपनी तरफ से लगाएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 माइनस 15 विच गिव्स -16 + 15 दैट इज -1। मान लीजिए आपको निकालना है M32 रिप्रेजेंट माइनर ऑफ A32। तो पहले तो A32 एलिमेंट देख लीजिए, ये कौन सा एलिमेंट है A31, ये क्या है A32, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़िए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट छोड़िए, क्या बचा आपके पास 2x2 ऑर्डर डिटरमिनेंट, वो है 1 - 3 4 एंड 2, वो लिख लीजिए 1 - 3 4 एंड 2। अब इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वही माइनर M32 होगा, 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2, एक माइनस अपनी तरफ से और 4 - 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 विच गिव्स 2 + 12 दैट इज़ 14। तो
इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, 3/3 ऑर्डर की के किसी भी एलिमेंट का माइनर। मान लीजिए आपको निकालना है कोफैक्टर, मान लीजिए आपको निकालना है a23 का मतलब है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a23। तो इसमें सिर्फ क्या एक्स्ट्रा आ जाता है, इसमें आ जाता है -1^(-2+3) और इनटू में क्या आएगा, इनटू में माइनर ऑफ a23, दैट इज़ -1^5। और माइनर हमें अभी निकालना सीखा है, 2-3 एलिमेंट देख लीजिए, ये a21, ये a22, ये a23, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़िए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट छोड़िए, क्या बचा आपके पास, 1, 2, 5 and -4, 1, 2, 5, -4, which gives -1^5, -1, 1 × 4 -4, माइनस में 5 × 2 = 10, which gives -1 × -14, that is 14। तो ये क्या आ गया आपका कोफैक्टर। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर, और साथ ही में क्या निकाली जा सकती है, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। तो आज आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, माइनर निकालना है, माइनर आपको आना चाहिए, कोफैक्टर आपको आना चाहिए, 2/2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट वैल्यू सोल्व करनी आनी चाहिए और 3/3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट वैल्यू। थैंक यू।